बुरुंदा कस्बे के औद्योगिक क्षेत्र में एक 40 वर्षीय ट्रक ड्राइवर केबिन में बेसुध हो गया। अन्य साथियों ने उसे अस्पताल लाया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चे में रखवाकर परिजनों को सूचना दी। संदिग्ध मौत होने की संभावना पर 3 लोगों के सैंपल लिए गए। वहीं शव को पॉजिटिव प्रोटोकॉल के तहत पैक करवाकर मोर्चरी में रखवाया गया। थाना अधिकारी ओम प्रकाश कासले ने बताया कि पंजाब राज्य के मोगा जिले के धर्मकोट निवासी 40 वर्षीय सतनाम सिंह पुत्र लखविंदर सिंह अन्य दो साथियों के साथ 9 अप्रैल को धर्मकोट मोगा से रवाना होकर 10 अप्रैल को बुरुंदा पहुंचे। रविवार सतनाम सिंह केबिन में बेसुध हो गया, जिसे हरप्रीत सिंह व परसपाल सिंह राज्य के चिकित्सालय लेकर आए, जहाँ चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर थानाधिकारी ओम प्रकाश कासनिया, मुख्य आरक्षी गिरवरदान व कमल किशोर अस्पताल पहुंचे। मृतक के बारे में पुलिस ने जानकारी लेकर कलमबद्ध की। वहीं शव को चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया। ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह चार ने बताया कि स्थानीय चिकित्सकों की टीम एवं लिफ्ट टेक्नीशियन टीम द्वारा करीब 1 घंटे की समय अवधि के दौरान सतनाम सिंह, हरप्रीत सिंह, परसपाल सिंह तीनों लोगों ने सैंपल लिए गए। वहीं सैंपल लेने को लेकर पिपाड़ से इक्विपमेंट मंगवाए गए। बीएसएमओ चार ने बताया कि अगर तीनों लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उच्च स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं शव को कोविड-19 पॉजिटिव प्रोटोकॉल के तहत पैक किया गया है।